मुसलमानों के तीन सबसे ताकतवर कमांडर और पहले नंबर पर जो है वो सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर कमांडर हैं। नंबर 3 तारिक बिन जियाद। नाज़रीन, तारिक बिन जियाद पहले मुजाहिद थे जिन्होंने यूरोप के सरजमीन पर मुसलमानों का परचम लहराया था। इन्होंने उम्मीद खिलाफत के दौरान स्पेन को फतह किया था जिसके सैकड़ों साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। नंबर 2 मोहम्मद बिन कासिम। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम वो मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने अरबों का सपना हकीकत में तब्दील किया था। नाज़रीन, इन्होंने बस 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान के सरजमीन को फतह कर लिया था और सिंध में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। नंबर 1, नाज़रीन नंबर 1 पर जो मुजाहिद कमांडर है उन्होंने जिस इलाके को फतह किया वहाँ आज भी इस्लामी हुकूमत कायम है और इन्हें आज की दुनिया सैफुल्ला के लकब से जानती है। जी हाँ नाज़रीन, ये बहादुर कमांडर का नाम हजरत खालिद बिन वलीद है जिन्होंने 150 से भी ज्यादा जंगें लड़ी और एक भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अल्लाह हू अकबर जरूर लिखना।